स्टूडेंट्स, हम आपको ये बताएंगे कि हम लोग XML प्रोग्राम को कैसे सिस्टम में रन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। हमने एक XML फोल्डर बनाया है जिसमें मैंने एक XML प्रोग्राम लिखा है। मैं आपको पहले खोल कर दिखा देते हैं। नोट पैड में मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ कि मैं नोट पैड में, सॉरी ये नहीं है, ये मैंने एक XML प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक XML, ये हमारा XML कोडिंग है। ठीक है, तो अब इसको हम बंद करते हैं। इसको हम P2 नाम से सेव किया है, फाइल सेव ऐसे P2.XML। ठीक है, ऑल फाइल्स ओके सेव, यस, इसको बंद कर देते हैं हमने। तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, हमको इसको हम गूगल क्रोम रन करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, डायरेक्ट हम गूगल क्रोम खोलते हैं। इसका ठीक है, इसका पाथ पर कॉपी कर लेते हैं। पाथ क्या है, कॉपी, गूगल क्रोम खोलते हैं और इसका फुल पाथ देते हैं सी ड्राइव के यूजर के डेस्कटॉप के XML के अंदर। हमारा प्रोग्राम का नाम क्या है, P2.XML। ओके, रन करते हैं। आप देखते हैं हमारा ये आ गया। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर। तो इस तरह हम लोग अपना एक XML प्रोग्राम को हम रन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।